हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं होममेड हुक्का या फिर शीशा, वो भी देसी जुगाड़ लगा के। तो चलें शुरू करते हैं। शीशा बनाने के लिए हमें एक पेप्सी या फिर कोक के खाली कैन की और एक एल्युमिनियम की पाइप की ज़रूरत पड़ेगी। कैन के ऊपर जो छेद होता है उसमें हम इस एल्युमिनियम के पाइप को जो है वो बिल्कुल इस तरह से फिट कर देंगे और एक कटर की मदद से इस कैन को जो है वो दो टुकड़ों में तकसीम कर लेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। उसके बाद मैजिक जो स्टिक होती है, ग्लू होता है, उसकी मदद से जो है इसके अंदरूनी और बैरूनी हिस्से को जो है वो अच्छी तरह कवर कर देंगे, ताकि इसमें जो है वो हवा जो है वो एंटर ना हो सके और ये बिल्कुल जो है वो पकड़ हो जाए इसकी और ये अच्छे तरीके से जो है वो फिक्स हो जाए। बिल्कुल इस तरीके से ही आपको दिखाई देगा। अब हम लेते हैं एक 2.25 लीटर की खाली बोतल और उसके ढक्कन को उतार लेंगे और जो एल्युमिनियम का पाइप है उसके साइज़ के मुताबिक ढक्कन को जो है वो दरमियान में से कट कर लेंगे और इसको एल्युमिनियम के पाइप के जो है वो ऊपर चढ़ा देंगे, फिक्स कर देंगे इसको अच्छी तरह से। बिल्कुल इस तरीके से, ये थोड़ा टाइट है लेकिन ये फिक्स हो जाएगा और ये ऐसे दिखाई देगा, बिल्कुल ऐसे। अब हम ग्लू गन की मदद से इसको जो है वो साइडों से कवर कर देंगे, ताकि इसमें जो है वो हवा जो है वो एंटर ना हो सके और ये अच्छी तरह जो है वो अपनी पकड़ बना ले। ये देखिए मैंने ग्लू इस पे लगा दी है और ये ड्राई हो जाएगा अच्छी तरह। अब हम एक खाली बोतल लेते हैं, उसको मैंने हाफ जो है वो ऊपर से काट लिया हुआ है ढक्कन वाले हिस्से को और ये इस पर मैं इसको अच्छी तरह रगड़ लूँगा, ताकि इसके जो किनारे हैं वो अच्छी तरह बैठ जाए और ये इसकी सतह जो है वो प्लेन हो जाए और ये उसके बाद इस तरह आपको दिखाई देगा। अब बोतल लेते हैं, बोतल में हम जो है वो गर्म स्टिक की मदद से जो है इसमें एक छेद कर लेंगे बिल्कुल इस तरीके से और ये जो हमने काटा हुआ है इसको ऊपर हम जो है वो इसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे एल्फी के साथ या फिर फेविकोल की मदद से, ये हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। हम एक पाइप लेते हैं, प्लास्टिक पाइप, ये आपको बाज़ार से इजीली जो है वो मिल जाएगा और इस पाइप को जो है वो हम इस बोतल के जो सुराख है उसमें हम इसको बिल्कुल इस तरीके से एंटर कर देंगे इस तरह, ये फिक्स हो जाए उसके साथ। और जो ये हमने बोतल को ऊपर वाला कवर काटा हुआ है उसको इसमें से गुजार कर इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। अब हम इस पे एल्फी लगा देंगे, एल्फी आप लगा सकते हैं या फिर ग्लू की जो है वो लगा सकते हैं, ग्लू गन की मदद से कर सकते हैं, ग्लू स्टिक की मदद से इसको फिक्स कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसके ऊपर लगा के अच्छी तरह इसको फिक्स कर दी है और ये बिल्कुल अब जो है वो ड्राई हो जाएगा, ड्राई होके वो इस तरह का दिखेगा। अब ये जो बोतल हमने कट की थी उसका ढक्कन लेंगे, उसमें भी हम छेद कर लेंगे पाइप के साइज़ के मुताबिक और जो ढक्कन होगा उसमें से हम पाइप को इस तरह गुजार लेंगे। जो हमने ये ढक्कन में छेद किया था ये बिल्कुल फिक्स किया था और पाइप जो है वो इसमें थोड़ा टाइटली गुजरेगा, लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि इसकी पकड़ बनी रहेगी और फिर हम इसकी साइड पे भी ग्लू गन की मदद से ग्लू लगा देंगे, ताकि इसमें से भी जो है वो हवा जो है वो इसमें एंटर ना हो सके। तो ये इस तरह ढक्कन गुजार लिया है, अब हम इसको जो हमने वो फिक्स किया था बोतल के ऊपर वाला हिस्सा उसके साथ जो है वो इसको बिल्कुल बंद कर देंगे और ये इसके साथ ऐसे बंद हो के कुछ आपको इस तरह का जो है वो नज़र आएगा। मैंने इसको अच्छी तरह टाइटली जो है वो बंद कर दिया। अब तो हमने एल्युमिनियम पाइप और केन के साथ जो मटेरियल बनाया था वो हम इसके ऊपर जो है वो लगा देंगे। तो गाइस ये ऑलमोस्ट आपका शीशा जो है वो तैयार है, तो अब हम इसकी जो है वो तैयारी करेंगे, ताकि हम इसको स्मोक करके इनहेल करके टेस्ट कर सकें। ये देखिए बिल्कुल रेडी। अब एक प्लास्टिक का हम पाइप लेते हैं जो कि सख्त हो, इसके पाइप में हम एंटर कर देंगे, ताकि जब हम इसको इनहेल करें तो हमें इसको पकड़ने में जो है वो इजी हो, बिल्कुल इस तरीके से। ये देखें गाइस हमारा शीशा जो है ना वो बिल्कुल रेडी है। अब हम पेपर लेते हैं, उसको इसके ऊपर लगा देंगे बिल्कुल ऐसे और एक नीडल की मदद से इसमें जो है वो हम सुराख कर देंगे बिल्कुल ऐसे। फ्लेवर लेते हैं, फ्लेवर इस पे डालते हैं बिल्कुल ऐसे। फ्लेवर मैंने इसके ऊपर सेट कर दी है, अब दूसरे
दूसरा पेपर लिया है, इसके ऊपर लगा दिया और उसमें भी जो है वो छेद कर देंगे और फिर कॉइल लेकर उसको सुलगा के हम इसके ऊपर रख देंगे। जी गाइस, आपका शीशा तैयार है, जब हम इसको इनहेल करके देखते हैं जो कि बिल्कुल ठीक है।